एक टाइगर साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा कमा कर देता है। एक चीता दक्षिण अफ्रीका के गरीब देशों में हजारों परिवारों का पेट पाल सकता है। आज राजनीति बॉलीवुड से हटकर बात करेंगे चीता की, कैसे 73 साल पहले भारत में आखिरी चीता और उसके 3 बच्चों का शिकार किया गया था। लचकदार बदन, आंखों में चालाकी, शिकार पर नजर और फर्राटा भरकर शिकार पर टूट पड़ना, ये चीता की खासियत रही है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से दौड़ता है चीता। कैट फैमिली का सबसे खूबसूरत सदस्य है चीता। जब वो दौड़ता है तो ऐसा लगता है हवा में तैर रहा हो। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राजनीति में फैसले चीते की रफ्तार से किया करती थी। राजनीतिक दुश्मनों पर चीते की रफ्तार से वार किया करती थी। यही बात आजकल कुछ कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी कही जाती है। हम इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि भारत में चीता की वापसी की संभावना इंदिरा गांधी ने भी तलाशी थी और अब मोदी सरकार भी संभावना को चीते की फुर्ती से आगे बढ़ाती नजर आ रही है। 1972 में टाइगर प्रोजेक्ट। देश में टाइगर की कम होती संख्या को देखते हुए इंदिरा गांधी ने 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। उस समय देश में 100 से भी कम टाइगर बचे थे। आज इनकी संख्या 3000 के पार हो गई है। टाइगर तो बचा लिया गया, लेकिन चीते को भारत ने फिर से बचाने का सपना पूरा ना हो सका। उस समय भारत और ईरान के बीच संबंध नया आकार ले रहा था। करीब 73 साल पहले आखिरी बार चीता देखा गया था भारत में। करीब 73 साल पहले आखिरी बार चीता देखा गया, वो चीता जो दुनिया का सबसे तेज रफ्तार शिकारी है। लेकिन उसी रफ्तार से जब उसका शिकार हुआ तो जंगलों में उसकी मौजूदगी के निशान तक मिट गए और लोगों के जहन में बस बाकी रह गया तो उसका नाम, वो नाम जो तेज चाल और चालाकी का पर्याय बनकर जब बॉलीवुड के पर्दे पर उभरा तो लोगों की जुबान पर भी छा गया। दिलचस्प बात यह है कि जिस चीते को राजा रजवाड़ों ने पाला, जिस चीते को बादशाहों ने शिकार करने का हथियार बनाया, उस चीते का वजूद भी राजा रजवाड़ों के हाथों ही खत्म हो गया। सरगुजा के महाराजा रामानुशरण सिंह की 1947 की तस्वीर देश में चीते की आखिरी तस्वीर मानी जाती है और फिर 1952 में भारत सरकार ने भी चीते को विलुप्त जानवर घोषित कर दिया। चरहरा बदन, खूबसूरत काया और लंबी पतली टांगे, जंगल का एक बेहद खूबसूरत जानवर है चीता। महज 3 सेकंड में ही 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब यह अपने शिकार पर झपटता है तो पलक झपकते ही शिकार जमीन पर धूल चाटता नजर आता है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और गुजरात तक घास के मैदान वाले जंगलों में सैकड़ों सालों तक चीते राजा रजवाड़ों का शिकार बनते रहे। एक वक्त था जब देश में हजारों की तादाद में चीते मौजूद थे। इन्हें जंगल से पकड़कर शिकारी कुत्तों में बदल दिया जाता था ताकि वो अपने मालिकों के लिए शिकार कर सके। मुगल बादशाह अकबर ने तो करीब 1000 चीते पाल रखे थे। शिकार के इस शाही शौक ने धीरे धीरे देश में चीतों का वजूद मिटा दिया। देश में विलुप्त होने से पहले सबसे ज्यादा और अच्छी नस्ल के चीते गुजरात में मिलते थे। मुगल बादशाह अकबर के समय में भी यही से चीतों को पकड़कर शाही शिकारगाह में भेजा जाता था। 10 साल पहले टाइगर प्रोजेक्ट की एक स्टडी में बताया गया था कि टाइगर साल में करीब 10 लाख रुपए कमा देता है। टाइगर है तो सैलानी है, सैलानी है तो होटल, रेस्तरां, टैक्सी आदि क्षेत्रों में रोजगार है। अब जब कैट फैमिली का एक और सदस्य भारत में आएगा तो रोजगार के मौके भी पैदा कर देगा। इस वीडियो में दिखाए गए चित्रों से उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप तक इस खबर से जुड़ी जानकारी पहुंचाना है और किसी की भावनाओं को आहत करना इस वीडियो का उद्देश्य नहीं है।